आप मानेंगे नहीं, लेकिन आज भी सर्विस सेंटर जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम लोगों के पास जो प्रॉब्लम है वो है हैंडसेट का लॉक हो जाना और उसका उनका नहीं खोल पाना। जी हाँ, हैंडसेट में जब भी पिन पैटर्न और पासवर्ड लग जाता है, साथ में आपका फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों काम नहीं करते। तो इसलिए यदि आप एक बार पासवर्ड को भूल चुके हैं तो आपका हैंडसेट को खोल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस केस में आप सर्विस सेंटर जाते हैं, लेकिन सर्विस सेंटर में भी आपके हैंडसेट को अनलॉक करने के अलावा वो आपके हैंडसेट को पूरी तरह से फॉर्मेट कर देते हैं, जिससे कि आपके हैंडसेट का इंपॉर्टेंट डेटा लॉस हो जाता है, जैसे फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो भी डेटा है वो सारा लॉस हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखा गया है इस वीडियो में, जहाँ पे आप अपने हैंडसेट को अनलॉक तो करोगे ही, साथ में आपका हैंडसेट का कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, आपका हैंडसेट फैक्ट्री डाटा रिसेट नहीं होगा और आप अपने हैंडसेट को यूज भी कर पाएंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिव्यू रिवील। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं और समझते हैं कि हम अपने हैंडसेट को घर बैठे बिना कंप्यूटर कैसे अनलॉक करेंगे, वो भी विदाउट एनी डेटा लॉस। यहाँ पे आपको पहले तो ये समझना होगा, जब आपके पास स्मार्टफोन हो और उसमें आप एक गलती कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे जब आप बार बार गलत पासवर्ड इस्तेमाल करते हो अपने हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए, यदि आपने 10 बार से ज़्यादा ट्राई कर लिया, आपका स्मार्टफोन उसके बाद हो सकता है डेड हो जाएगा, क्योंकि उसे इस हैंडसेट के डेटा को बचाना है। तो आप ऐसी गलती मत करना, वरना आपका हैंडसेट सर्विस सेंटर में ही लेके जाना पड़ेगा और फिर आप समझ सकते हो उस केस में आपका कितना पैसा खर्च हो सकता है। मैं एक आपको एक एवरेज इस्टीमेट दूं तो लगभग 5,000 रुपये इस गलती के कारण आपके लग सकते हैं। फिलहाल आपको करना क्या है जिससे आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाए? यहाँ पे सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल। आपको इसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको अपने हैंडसेट के ऑफलाइन मोड को एक्टिवेट करके मास्टर अनलॉकिंग मोड को यहाँ पे इनेबल करना है। तो पहले हम यहाँ पे एक नंबर डालेंगे, और इस नंबर पे हम यहाँ पे 3 बार कॉल कर देंगे। जब आप इस पे कॉल करेंगे, आपको यहाँ पे कॉल फेल का एक मैसेज मिलेगा, इसे आपको इग्नोर करते हुए ओके कर देना है और इस पे 3 बार आपको कॉल करना है। हमने यहाँ पे 3 बार इसे कर लिया कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे एक नया नंबर डायल करना है जिससे कि हमारे हैंडसेट का मास्टर अनलॉकिंग मोड एक्टिवेट हो जाए। उसके लिए यहाँ पे डायल करना है *#8999#। आप यदि पॉसिबल हो तो इसे कहीं लिख लो, क्योंकि ये आपको हर एक स्मार्टफोन में काम आने वाला है। अभी हम यहाँ पे हैज को जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके स्मार्टफोन का इंजीनियर मोड यानी कि मास्टर अनलॉकिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब हमें यहाँ पे सिंपली सारे स्टेप लेने हैं। पहला स्टेप है हमारा यहाँ पे नंबर 5 पे दिया गया सॉफ्टवेयर वर्जन को क्लिक करना, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको नंबर 2 पे दिखेगा एंड्रॉयड वर्जन। अब आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो आप एंड्रॉयड वर्जन देख रहे हो, जितना आपके स्मार्टफोन में होगा आपको उतने ही बार इसे टैप करना। जैसे यहाँ पे दिया गया है एंड्रॉयड वर्जन 11, तो हम इसे यहाँ पे 11 टाइम टैप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपका, हमने चूँकि 11 था इसलिए मैंने यहाँ पे इसे 11 टाइम टैप किया। आपका 9 होगा आपको 9 टाइम करना है, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, आपको उतना ही टाइम यहाँ पे इसे टैप करना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक होना है और जस्ट इसके ऊपर देखना है, आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम होगा मैनुअल टेस्ट। इसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सबसे लास्ट वाले पेज पे जाना है जो कि अदर का पेज है, और यहाँ पे आपको 3 स्टेप लेने हैं। पहला, आपको डेटाबेस वर्जन को यहाँ पे 7 टाइम क्लिक करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद आपको जस्ट उसके नीचे दिए गए रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पास दिखना चाहिए, इसका मतलब होगा आपने अभी तक जितने भी स्टेप लिए हैं वो सब सही जा रहे हैं और आप आगे जा सकते हैं। यदि आपका यहाँ पे फेल आता है, उस केस में आप दोबारा से सारे प्रोसेस को शुरू करो, आपका भी यहाँ पे पास आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से बैक होना है और उसके बाद नंबर 2 पे दिए गए स्टेप को जो कि है रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट को क्लिक करना है। लेकिन जब आप इसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इसे कंफर्म करने को कहा जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे इसे पहली बार में कैंसिल करना है, दूसरी बार में भी कैंसिल करना है, तीसरी बार में भी आपको कैंसिल करते हुए आपको चौथी बार में यानी कि 4th टाइम में आपको इसे कन्फर्म कर देना है। और इसके साथ आपको सिंपली थोड़ा सा आपको बैक आना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रॉन्ग पासवर्ड जो है यानी कि आपका रिसेटिंग होने लगा है। लास्ट स्टेप लेंगे, आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा।
आपको वापस से आते हुए नंबर दो वाले पेज जो कि डिवाइस डबिंग का है यहाँ पे चले आना है, और यहाँ पे आपको सिंपली एक ऑप्शन खोजना है जिसका नाम है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका दो ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे नॉट स्टार्टेड मोड में है। आपको इन दोनों को मैन्युअली खुद से इसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए दोनों को आपको टच करना होगा। जैसे आप इसे स्टार्ट करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा, एक भी यदि पास दिख जाएगा तो समझिए आपका काम हो चुका, आपका हैंडसेट अनलॉक हो चुका। आप देख रहे हैं एक आपका फेल भी आपका दिख रहा है। आपको यदि एक भी पास दिख रहा है, जो दोनों पास है तो अच्छी बात, एक भी दिख रहा है आपको समझो कि काम हो गया। अब इसे हम यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे कि आपका हैंडसेट अनलॉक हुआ कि नहीं। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे होम बटन को क्लिक करना है और दोस्तों आप देख सकते हैं आपका स्मार्टफोन यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। इस तरह से आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हो। यदि आपका हैंडसेट अभी भी अनलॉक नहीं हुआ उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन के ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे आप हमें जैसे ही ज्वाइन करते हैं हमारे टीम मेंबर की तरफ से आपको एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाता है और उस वीडियो कॉल के थ्रू हम आपके हैंडसेट को 2 से 5 मिनट के अंदर अनलॉक करके गारंटी के साथ आपको दे देते हैं। तो आप एक बार ज्वाइन के बस ऑप्शन को ट्राई जरूर कीजिएगा।